नमस्कार। ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसके साम्राज्य पर सूरज कभी भी नहीं ढलता था। भारत जैसे जीत देश का वो जेता राष्ट्र था। उस राष्ट्र से एक युवती भारत आती है, यहाँ के जनजीवन के साथ एकाकार हो जाती है, यहाँ के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करती है तथा उनके लिए बहुत सा कार्य करती है, यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होते हैं, प्लेग जैसे जानलेवा बीमारी में लोगों की सेवा करती है और भारत माता का जाप करते हुए अपना सारा जीवन यहाँ पर समर्पित कर देती है। ऐसी लड़की, उसका नाम है भगिनी निवेदिता, भारत की निवेदिता। निवेदिता का मूल नाम मार्गारेट नोबेल एलिजाबेथ, ये उत्तर आयरलैंड के एक गांव से थी। उनके पिताजी धर्मयाजक थे, रिचर्ड उनके पिताजी धर्मयाजक थे तथा उनकी माता थी इसाबेला। मार्गारेट के पिताजी का देहावसान वो जब 10 साल की थी तभी हो गया। मार्गारेट ने अपने छोटे भाई और माता की तरफ बहुत प्यार से देखा तथा उनके साथ प्यार से सहयोग किया। मार्गारेट की शिक्षा शुरू हो गई। वो शिक्षा एक चर्च के निहित एक आवासीय स्कूल में हुई। वहाँ बहुत कठोर ऐसे नियमों की श्रृंखलाएं थी। ऐसे स्कूल में उनका अध्ययन काल बीता। वो एक मेधावी छात्रा थी। उन्हें अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बाकी सारे बहुत सारे विषयों में उन्हें रुचि थी, जैसे साहित्य, संगीत, कला, ऐसे विषयों में भी उन्हें बहुत सारी रुचि थी और उसका भी अध्ययन वे हमेशा करती थी। उम्र की 17 साल में अपना अध्ययन पूर्ण करके वो एक शिक्षिका बन गई और उन्होंने विंबलडन में अपने मन में शिक्षा के बारे में जो संकल्प थे उन संकल्पों को लेकर एक स्कूल उन्होंने लंदन में खोला और वो वहाँ अध्यापन करने लगी तथा उसके साथ साथ लंदन के कई विख्यात पत्र पत्रिकाओं में भी वो आर्टिकल्स लिखने लगी, भाषण देने लगी। और अल्पायु में, एक छोटी सी उम्र में, ये नवयुवती एक शिक्षिका, एक विचारवंत, एक लेखिका के रूप में समाज में सुप्रतिष्ठित हो गई। इसके साथ साथ निवेदिता को धर्म के बारे में भी बहुत आकर्षण था, इसीलिए चर्च से जुड़े हुए सेवा कार्य में वो हमेशा सेवारत रहती थी तथा उसके साथ साथ वो धर्म ग्रंथ का पठन भी करती थी। लेकिन बहुत सारे धर्म ग्रंथ का पठन करने के बाद उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी और क्रमशः ये सारा अध्ययन और सेवा कार्य करते हुए भी वो मन में हताश होती रही। ऐसे में एक 1895 के नवंबर महीने की शाम उनके आयुष्य में कुछ नया ही जीवन तथा एक नया प्रकाश लेकर आई। लंदन के एक परिवार में स्वामी विवेकानंद द्वारा कुछ उद्बोधन होने वाला था। वो उद्बोधन सुनने निवेदिता लंदन में उस परिवार में पहुंची। स्वामी जी को उन्होंने पहली बार देखा, अपने भावी गुरु को उन्होंने देखा और उनको देखकर वो मंत्रमुग्ध रह गई। स्वामी जी ने बहुत सारे विचार सामने रखे, धर्म के बारे में उन्होंने विचार सामने रखे तथा अनेक जगहों में लंदन में उनके कार्यक्रम हुए जिसमें उन्होंने भाषण दिया तथा धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ। उन सारे कार्यक्रम में मार्गारेट उपस्थित थी। वो चिंतन कर रही थी, स्वामी जी के विचार सुन रही थी। स्वामी जी को वो बहुत सारे प्रश्न करती थी और उनके उत्तर सुनते सुनते मन में वो चिंतन कर रही थी। तभी उन्हें लगा कि जिन विचारों को लेकर उसका मन दिग्भ्रमित हो रहा था वो सारे विचार की आशंका के उत्तर इस युवा सन्यासी ने दे दिए हैं और मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर इस सन्यासी के पास है, ऐसा एहसास उन्हें हुआ। और स्वामी जी के साथ उनका गपशप, संभाषण, अंतरक्रिया बढ़ने लगी। स्वामी जी को भी निवेदिता की दृढ़ता, उनके मानव के प्रति करुणा,
उनका आत्मविश्वास, उनके कार्य करने की रीति, ये सब देख के उनके मन में एक विश्वास हो गया कि ये युवती कुछ ना कुछ काम जरूर कर सकती है। भारतवर्ष की जो सारी अवस्था है, वो अवस्था देखकर स्वामी जी को ऐसे लगता था कि भारतवर्ष के सारे दुखों का उपाय अगर कहीं है तो वो नर नारी को शिक्षा देने में है। अगर सर्वसाधारण नारियों को शिक्षा मिल गई तो वो अपने जो समस्याएं अपनी हैं, उन समस्याओं के जो समाधान है, वो समाधान अपने आप शिक्षा मिलने के बाद ढूंढ सकेगी, उनका जीवन आत्मविश्वास पूर्ण हो सकेगा, ऐसा उन्हें महसूस होता रहा। और उन्होंने ये विचार निवेदिता के सामने रखा। उन्होंने निवेदिता को कहा कि मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य है, भारत में आके तुम्हें काम करना चाहिए। नारियों के बीच उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए मुझे एक नारी की, एक सिंहनी की आवश्यकता है, और तुम में वो सारे गुण है जो भारत के नारियों के लिए आवश्यक है, इसलिए आप भारत में आओ और भारत ही आपकी कर्मभूमि है। स्वामी जी ने ये आह्वान जब निवेदिता को किया तो उसने उस पर बहुत चिंतन किया। उसके लिए ये बात इतनी सरल नहीं थी। उन्होंने पिताजी को पहले से ही खो दिया था, अब उन्हें माताजी को, छोटे भाई को छोड़कर उन्हें भारत आना था। स्वजन, स्वधर्म, स्वदेश सभी छोड़कर उन्हें भारत आना था। लेकिन इस सारे विषय पर चिंतन विचार उन्होंने किए स्वामी जी, और वो दोनों विचार से एकाकार हो गई। और उसके बाद स्वामी जी के आह्वान पर 1899 के 28 जनवरी को मार्गरेट कलकत्ता आ पहुंची। उसने पहली बार अपने कर्मभूमि में कदम रखा। आते ही उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना चाहा। वो दक्षिणेश्वर में गई। वहां स्वामी रामकृष्ण के मठ में एक आंग्ल निवासिनी को अंदर कैसे लिया जाए, लेकिन मतभेद के सारे विचार दूर हो गए। उन्हें दक्षिणेश्वर के मंदिर में प्रवेश मिला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के सिफारिश पे वो वहां आई थी, इसीलिए दक्षिणेश्वर मंदिर में उन्हें प्रवेश मिल गया। 11 मार्च 1898 को स्वामी जी ने कलकत्ता के स्टार थिएटर में भगिनी निवेदिता का परिचय जनसाधारण को करा देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगिनी निवेदिता का परिचय करा देते हुए स्वामी जी ने कहा कि ये इंग्लैंड ने भारत के लिए भेजा हुआ बहुत मूल्यवान ऐसा उपहार है। इस शब्दों में निवेदिता का परिचय जनसाधारण लोगों को स्वामी जी ने करा दिया। उसके बाद निवेदिता का कथन हुआ। उन्होंने भारत के बाहर वाले सभी देश विदेश में स्वामी जी की वाणी का प्रभाव कितना ज्यादा है, और हिंदू धर्म के बारे में, भारत देश के बारे में, भारत देश के अध्यात्म के बारे में लोग कितना सोचते हैं, ये सब लोगों को बताया। तथा मैं यहाँ आई हूँ भारत में तो भारत की सेवा करने आई हूँ, ऐसा भारत सेवा का संकल्प उन्होंने यहाँ पर रखा। स्वामी जी ने कहा, ये संकल्प को सुनकर स्वामी जी ने कहा, मार्गरेट महाप्राण है, उदार हृदय एवं पवित्र है, अपने प्राण वह भारत की सेवा में देने के लिए आई है, निवेदिता यहाँ गुरुगिरी करने नहीं आई है। निवेदिता यहाँ के जीवन से एकाकार होती गई, यहाँ के जीवन का निरीक्षण करती रही। उन्होंने अपने गुरु के इन शब्दों पर भी विश्वास रखा कि भारत की सेवा में ही मानव सेवा है, भारत के कल्याण में ही जग का कल्याण है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व बंधुता का संदेश सारे देश को दे रहा है। 17 मार्च 1898 मार्गरेट की जीवनी का परम पुण्य दिवस उस दिन आ गया, क्योंकि श्री रामकृष्ण जी की पत्नी श्री माँ शारदा देवी के साथ निवेदिता की भेंट हुई। अलग धर्म, अलग देश, अलग भाषा, अलग व्यवहार, इन सारे बंधनों को छोड़कर माँ शारदा
माता और निवेदिता एक साथ एकाकार हो गई। शारदा माता ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और कहने लगी, ये मेरी पुत्री है। उनको अपने माता के रूप में पाकर निवेदिता आनंद विभोर हो उठी। जैसे जैसे यहाँ के जीवन से निवेदिता एकाकार होती गई, होते होते वो दिन आ गया जिसकी निवेदिता को बहुत प्रतीक्षा थी। वो दिन था 25 मार्च 1898। उस दिन स्वामी जी द्वारा मार्गारेट को दीक्षा मिलने वाली थी। बेलूर मठ के एक शिव मंदिर में स्वामी जी ने निवेदिता से शिव पूजन कराया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध चरण में उनसे पुष्पांजलि करवाई और गंभीर आवाज में उन्होंने मार्गारेट से कहा, जाओ और इस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया है और बुद्धत्व प्राप्त किया है। इस समय स्वामी जी ने मार्गारेट का नाम रखा निवेदिता, भारत की निवेदिता। अपनी डायरी में मार्गारेट लिखती है कि यह सुबह उनके लिए बहुत ही आनंदमयी रही थी। अभी स्वामी जी उनके सामने, भारत के विभिन्न विभूतियों के चरित्र उनके सामने थे, रखते थे। भारत के इतिहास, भूगोल, प्राचीन बातें सभी उन्हें बताते थे और भारत की सेवा के लिए उन्हें उद्युक्त करते थे। शाश्वत भारत का अनुपम रूप उनके सामने रखते थे। अभी का भारत जो है वो पराधीन है, दरिद्री नारायण है, कंगाल है, लेकिन उसी की ओट में भारत का वो तेजस्वी रूप है जिसमें भारत का आध्यात्मिक रूप और तपस्या से भरा रूप उसमें रहता है। वो भारत का सुंदर रूप स्वामी जी बार बार निवेदिता के सामने रखते थे और निवेदिता उस भारत के रूप के साथ एकाकार होती थी। 25 मार्च 1899 दीक्षा के एक साल बाद स्वामी जी से नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी का व्रत भी उन्होंने लिया। भारतवर्ष का मूर्त रूप साकार करने के लिए अभी निवेदिता बेचैन थी। वो समझती थी राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। राष्ट्रीयता का अर्थ है साहित्य, विज्ञान, इतिहास, शिल्पकार, शिल्पकला, लोक संस्कृति आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वदेश बोध होना, यही वो समझती थी कि राष्ट्रीयता है। विवेकानंद जी के विचार वहन करने के लिए उन्होंने जगह जगह भाषण देना शुरू किया। जहां जहां वो जाती वहां कारुण्य मूर्ति, प्रेममयी ऐसी निवेदिता को उसका त्याग देखकर लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते। उनके शब्द लोगों के हृदय को छू जाते। वो लोगों को कहती कि भारत देश में आप जाति, धर्म, वंश, भाषा सारे भेदाभेद को छोड़ दो और एक साथ आकर भारत के स्वाधीनता के लिए, भारत के परमोत्कर्ष के लिए प्रयास करो, ये ही आपका परम धर्म है। ऐसे विचार वो लोगों के सामने रखती थी। ये जो उसके विचार थे वो लोगों के दिल को छू जाते थे। अभी जिस काम के लिए वो भारत में आई थी वो काम तो उसे करना था। वो था बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू करना, और इसीलिए उन्होंने कलकत्ता के बोसपाड़ा लेन में बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू करना चाहा। स्वामी जी उसमें बहुत असीम उत्साहित थे। जब निवेदिता ने पहली बार एक मीटिंग ली स्वामी जी के कुछ शिष्यों के साथ कि ये महाविद्यालय की योजना क्या है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, सब चर्चा में दंग थे। तभी किसी को पता नहीं, स्वामी जी पीछे आकर बैठे और अचानक से सबके पीठ पर थपथपाते हुए कहने लगे कि देखो भाइयों, सिर्फ बालिकाओं के पिता होकर काम नहीं चलेगा, आपको बालिकाओं को स्कूल में भी भेजना है और निवेदिता के स्कूल में सबको भेजना है। अभी स्कूल में लड़कियों का आना इतना सुकर नहीं था।
वहाँ उस समय के जो लोग थे वो लड़कियों को स्कूल में भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन निवेदिता ने मोहल्ले में हर घर घर में जाके अपने विद्यालय के बारे में जानकारी दी, महिला शिक्षण के बारे में जानकारी दी और अपनी बालिकाओं को स्कूल में भेजने के लिए सबसे अनुरोध किया। आखिर में इस स्कूल का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ श्री माता शारदा देवी के हाथों हुआ। शारदा देवी का आशीर्वाद अपने स्कूल को मिल रहा है ये सोचकर निवेदिता बहुत ही आनंदित हो उठी। शारदा माता ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कूल में शिक्षा लेने वाली हरेक युवती स्वयं काली माता का रूप होगी और इस देश के लिए काम करने वाली आदर्श पुत्री होगी। शारदा माता का आशीर्वाद अपने स्कूल पर मिलने पर निवेदिता बहुत ही आनंदित हो उठी। अभी निवेदिता का काम बहुत जोरों से शुरू हो गया। मोहल्ले में जाना, लोगों को मिलना, बालिकाओं को स्कूल में लाना, दोपहर के समय अपने कार्य समाप्ति के बाद कई विवाहित महिलाएं तथा विधवा महिलाएं विद्यालय में आती थी। उनके लिए कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे कुछ कौशल उन्हें सिखाने का प्रबंध भी मार्गारेट ने करना शुरू किया। कभी कभी शाम के समय मार्गारेट मोहल्ले में मीटिंग लेती थी और महिलाओं को अपने लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए, शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती थी। अभी स्कूल पर स्कूल का तो बहुत खर्चा आता था, लेकिन उस खर्चे का प्रबंध अपने लेखन और भाषण द्वारा निवेदिता करती थी। बहुत थोड़ा सा पैसा अपने निजी चरितार्थ के लिए रखकर ज्यादा से ज्यादा राशि इस कार्य में वो लगा देती थी। ये सारी जो विद्यालय की लड़कियां थी उनके बारे में निवेदिता के मन में बहुत प्यार था। सारा उनका प्राण अपने विद्यालय में बसता था। इन लड़कियों के साथ वो बहुत प्रेम पूर्वक बर्ताव करती थी तथा उन्हें खिलाने का भी प्रबंध समय समय पर करती थी। उन्हें लेकर बहुत जगह जाती थी, उन्हें दिखाने के लिए कभी अजायब घर कभी चिड़ियाघर उन्हें ले जाती थी और उनके साथ बातें करके उनके मन की आकांक्षा आशंकाएं भी दूर कर लेती थी। उनके ही स्कूल में एक लड़की थी गिरीबाला घोष। वो बाल विधवा थी और उसकी एक छोटी सी लड़की भी थी। गिरीबाला अपने मामा के पास रहती थी और घर के सारे कामकाज के कारण समय पर स्कूल नहीं पहुंचती थी। ये समाचार जब निवेदिता के समझ में आया तो वो खुद गिरीबाला के मामा के घर गई और उन्होंने गिरीबाला और उसकी लड़की को अपने पास रखकर उसके शिक्षा का पूरा प्रबंध उन्होंने किया। निवेदिता श्वेतांगिनी थी तो कई छात्राएं ऐसी थी जो उनसे हाथ से कुछ खाना पानी पीना ये ठीक नहीं मानती थी। जिन लड़कियों को निवेदिता प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी उन लड़कियों का ऐसा व्यवहार देखकर भी निवेदिता कभी रुष्ट नहीं होती थी। वो बड़े प्यार से उनकी निष्ठा को देखती थी तथा उनकी निष्ठा आचार विचार के बीच कभी भी नहीं आती थी। ये व्यवहार उनके उदार हृदय का एकमात्र निदर्शक है ऐसे लगता है। उनके स्कूल में कई विधवा बालिकाएं थी। उनके ऊपर पारंपरिक कुटुंब को लेकर उनके खाने पीने पर कुछ विधि निषेधात्मक प्रबंध रहते थे, बंधन रहते थे। ऐसे समय में वो लड़कियां बिना कुछ खाए पिए स्कूल आती थी, लेकिन उनके चेहरे देखते ही निवेदिता की समझ में आता था कि आज कौन कौन बिना खाए आया है और उनके खाने पीने का जो प्रबंध है वो निवेदिता तुरंत करने में लगी रहती थी। राष्ट्रीय भाव लड़कियों में जगे इसके लिए निवेदिता बहुत प्रयास करती थी। उनके आचार विचार व्यवहार सारी बातों में राष्ट्रीयता आए उसके लिए वो प्रयास करती थी। उनकी वेशभूषा शिक्षा वो राष्ट्रीयता की निदर्शक हो इसके बारे में भी सोचती थी। उनके स्कूल में रोज वंदे मातरम का गान गाया जाता था तथा स्वदेशी वस्तुओं का पुरस्कार भी होता था। एक दिन बातों ही बातों में सभी लड़कियों से निवेदिता ने पूछा कि बताइए आपकी रानी कौन है। तो लड़कियों ने तुरंत उत्तर दिया,
रानी विक्टोरिया वो हमारी रानी है। इस उत्तर पर निवेदिता बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की अधिष्ठाती रानी तुम्हारी रानी कैसे हो सकती है? इस भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, जो त्याग और तपस्या की मूर्ति है, ऐसी देवी सीता तुम्हारी रानी हो सकती है। ये तुम्हारे आदर्श है। इस प्रकार निवेदिता यहाँ पूरी तरह से घुल मिल गई थी, ऐसे दिखता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक बार एक प्रस्ताव निवेदिता के पास आया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए निवेदिता को पूछा। उन्हें ऐसे लगा निवेदिता एक यूरोपियन महिला है, वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी की शिक्षा देगी। और ये प्रस्ताव निवेदिता के पास आने पर निवेदिता ने ये जवाब दिया कि हर एक व्यक्ति के बालक के अंतर्गत एक आकार है, उस आकार को बाहर निकालना ये शिक्षा का कर्तव्य है। बाहरी भाषा की शिक्षा बच्चे को देकर उसका विकास कैसे हो सकता है? और मैं भारत में आई हूँ, वो यहाँ की बालिकाओं को अंग्रेजी सिखाने नहीं आई हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी ये बात रविंद्रनाथ जी को बहुत अच्छी लगी और आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलकर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराष्ट्र की शिक्षा देने वाली स्कूल शुरू की। उसके बारे में हम सबको शांति निकेतन के बारे में मालूम है, उसके पीछे प्रेरणा निवेदिता की थी। लड़कियों पर बहुत प्यार करना, खिलाना, उनको प्राणों से भी अधिक मानना, ये तो निवेदिता करती थी, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं शिस्त का बहुत आग्रह वो रखती थी। लड़कियों के किसी गलत वर्तन पर निवेदिता एक बार उनके तरफ ऐसी दृष्टि डालती थी कि वो लड़कियां अपने आप समझ जाती थी और अपने बर्ताव में सुधार लाती थी। भूखी तथा बीमार छात्राओं को वो माँ की ममता से बहुत प्यार करती थी। बोसपाड़ा लेन के सिर्फ स्कूल से उन्हें लगाव था ऐसे नहीं, बोसपाड़ा लेन में जो पड़ोसी थे उनके साथ भी बहुत प्रेमपूर्वक व्यवहार निवेदिता का था। एक बार एक रात को खाना खाते समय उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो एक घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। खाना छोड़कर निवेदिता वहां दौड़ी तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची का मृत्यु हो गया है और उसकी माँ बहुत रो रही है। तुरंत निवेदिता ने उसके माँ को अपने गोदी में रखा और उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर के बाद माँ ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ गई? निवेदिता ने उत्तर दिया, चुप हो जाना, तुम्हारी बेटी काली माता के पास गई है। अपनी बेटी काली माता के पास गई है ये सुनकर वो माता की सांत्वना हो गई और वो शांति से निवेदिता के गोद में सो गई। अब ये था 1898 का साल, जब कलकत्ता में बहुत जोरों से प्लेग का फैलाव हुआ था। उस प्लेग के फैलाव में प्लेग की रोकथाम करने के लिए रामकृष्ण मिशन द्वारा एक कमिटी निहित की गई। उस कमिटी की सर्वे सर्वा निवेदिता को बनाया गया और उन पर ये जिम्मेवारी पूरा तरह से सौंपी गई। उन्होंने तुरंत कलकत्ता के मोहल्ले मोहल्ले का सर्वेक्षण किया और साफ सफाई का काम शुरू किया तथा रुग्ण सेवा का काम भी शुरू किया। उन्होंने कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में एक भाषण दिया और प्लेग के लिए हम सबने कटिबद्ध होकर काम करने की आवश्यकता उन्होंने बताई। ये भाषण था छात्राओं के सामने, महाविद्यालयीन छात्राओं के सामने। ये सभी छात्र उनसे जुड़ गए और रुग्ण सेवा के लिए आगे आए। सबके अलग अलग गुट बनाए गए और ये गुट कलकत्ता के हरेक इलाके में जाकर साफ सफाई का तथा रुग्ण सेवा का काम करने लगे। अभी प्लेग के रुग्ण की सेवा करना मतलब खुद जाकर मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन इस बात का भी निवेदिता और उनके टीम पे कोई असर नहीं हुआ। वो बहुत चाव से सारे रुग्णों की सेवा करते रहे तथा कलकत्ता के हरेक इलाके की साफ सफाई करते रहे। निवेदिता के अंदर जो नेतृत्व के और संगठन कौशल्य के गुण थे, वो गुण देखकर सारे लोग
उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन कलकत्ता के इलाके में एक कचरे का बड़ा सा ढेर बहुत दिन से पड़ा था, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। निवेदिता ने तुरंत अपने हाथ में झाड़ू लिया और वो ढेर वो साफ करने लगी। तुरंत कुछ छात्र वहां आए और लज्जित होकर उन्होंने निवेदिता के हाथ से झाड़ू लिया और साफ सफाई करने में जुड़ गए। तभी के एक विख्यात डॉक्टर ने एक चित्र प्लेग से में रुग्ण सेवा का हमारे सामने रखा है। वो ऐसा है, उन्होंने कहा कि मैं एक पूर्वास्पृश्य बस्ती में गया जहाँ एक यूरोपियन महिला मेरा इंतजार कर रही थी और वहाँ एक छोटे से बच्चे को मैं देखने गया था। उस बच्चे को अपने गोदी में सुलाकर उसकी सेवा निवेदिता कर रही थी। उनको मालूम था कि ये बच्चा ज्यादा दिन जीवित रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जितने दिन वो था उसकी सेवा उन्होंने की। वो लड़का दो दिन बाद उसका देहांत हो गया। उसका देहांत होते समय उसने माँ माँ करके निवेदिता को ही पूरा कस के पकड़ा था और मेरी माँ मेरे साथ में है ऐसा समाधान लेकर वो चिर निद्रा में विलीन हो गया। इस प्रकार का प्रेम ये निवेदिता यहाँ पर करती थी। ऐसे सारे सेवा कार्य में जुटी रहने के साथ साथ बंगाल में और कलकत्ता में अकाल और बाढ़ भी आई थी। उस समय भी निवेदिता अपनी सगी संगिनियों को लेकर लोगों की मदद करने गई थी और वहाँ के लोगों ने भी उसे अपना आत्मीय मानकर उसे सारी मदद और सेवा लोगों ने उनसे ली थी। स्वामी जी की तबीयत अब खराब सी रहने लगी थी। जिस दिन का सबका डर था वो दिन आ गया, 4 जुलाई 1902। उस दिन निवेदिता को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि स्वामी रामकृष्ण पुनश्च अपना देह त्याग रहे हैं। उस सपने का अर्थ वो समझ गई और तुरंत वो विवेकानंद के कक्ष में आई। विवेकानंद आखिरी सांस ले रहे थे, निवेदिता उनके निकट बैठी। आखिरी सांस तक उन्होंने उनकी सेवा की। स्वामी के देहांत के बाद उन पर लिपटे हुए एक काषाय वस्त्र को निवेदिता देख रही थी। उस काषाय वस्त्र के साथ स्वामी विवेकानंद का अंत्य संस्कार हो रहा था। निवेदिता को लगा कि काश ये काषाय वस्त्र मुझे मिलता, लेकिन उस काषाय वस्त्र के साथ विवेकानंद का अंत्य संस्कार हुआ। लेकिन उसके बाद जब निवेदिता बैठी थी तो उस काषाय वस्त्र का एक अंश बहते बहते निवेदिता के पास आया और वो प्रसाद रूप मानकर निवेदिता ने उसे अपने पास रखा। अपने अति प्रिय गुरु का देहांत होने के बाद उसके ऊपर शोक करने के लिए निवेदिता के पास समय नहीं था। उन्होंने गुरु द्वारा दी गई विचारों की दीक्षा उसे बार बार याद आ रही थी और स्वामी जी के विचार, स्वामी जी के मन में भारत के प्रति जो प्यार था वो प्यार तथा उनके विचार सारे जनसाधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने जगह जगह पर भाषण देना शुरू किया तथा उन्होंने लेखन करना भी शुरू किया। देश भर उनका प्रयाण हुआ। वो प्रयाण करते करते वो नागपुर आ गई। नागपुर के मॉरिशस कॉलेज में उनका भाषण था। उस भाषण के समय कुछ दिन पहले महाविद्यालय में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी और उस टूर्नामेंट में जीते हुए सारे क्रिकेट प्लेयर का सत्कार निवेदिता के हाथों हुआ। सबको अच्छा लगा, एक यूरोपियन नारी आई है उसके साथ हमारा सत्कार हो गया है, प्लेयर्स को बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो क्रिकेटियर का सम्मान होने के बाद अपने भाषण में सबको फटकारते हुए, उनका निषेध करते हुए निवेदिता ने कहा, वो दशहरे के दिन थे, कि दशहरा नजदीक आ रहा है, ये अस्त्र पूजा के दिन है, माँ काली माता से शक्ति की याचना करने के दिन है, हमारा देश जो है वो हमारा देश पराधीन है, इस समय शक्ति की आराधना करने के बजाय आप सारे तरुण छात्र एक विदेशी खेलकूद में रममाण हो रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आती। नागपुर शिवाजी राजा के महाराष्ट्र की राजधानी, वहां मुझे लगा था कि मुझे वीरता का दर्शन होगा। इसके बाद
वो 2 वर्ष के बाद पटना के एक महाविद्यालय में गई। वहाँ भी सारे नवयुवकों को उन्होंने कहा, अगर नवयुवकों के चेहरे पर बहुत सी असीम शांति नजर आती है तो मुझे दुख होता है, आप लोगों ने युद्ध करना चाहिए, आप लोगों ने छुरी का तलवार बाजी ये सीखना चाहिए, मुक्काबाजी करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है वो युद्ध करने के हैं, वीरता के हैं, आप लोगों को अपने भारत भूमि को आजाद करना है, ऐसा संदेश वो लोगों को देती थी। जैसी वो असाधारण वक्ता थी उस प्रकार वो एक असाधारण लेखिका थी। उन्होंने अपने विचार मॉडर्न रिव्यू, स्टेट्समैन, अमृत बाजार पत्रिका, डॉन, प्रबुद्ध भारत, बाल भारती आदि देशी विदेशी पत्रिकाओं में अपने आर्टिकल्स लिखना उन्होंने शुरू किया था, शुरू रखा था। उसके बाद कई पुस्तकों का परिणयन भी उन्होंने किया था। काली द मदर ये एक उनका पुस्तक प्रसिद्ध है, उसमें काली माता शक्ति रूपिणी के बारे में उन्होंने लिखा है। उनका दूसरा पुस्तक है वेब ऑफ इंडियन लाइफ, उसके उसमें उन्होंने भारत, भारत की आध्यात्मिकता, भारत के लोग, उनके मन में रहने वाले गुण, उस सभी के बारे में लिखा है। क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म ये एक उनका बुक है। उनका अगला बुक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये बुक उन्होंने विवेकानंद जी के रूप पर लिखा है। विवेकानंद जी उनको कैसे लगे उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, और उनकी परम श्रद्धा ये थी कि ये बुक लिखा उन्होंने है लेकिन ये बुक विवेकानंद जी ने उनसे लिखवाया है। जब भी उसकी कोठी पर उसे मिलने कई विद्वज्जन जाते तो उसकी प्रबुद्ध ऐसी प्रतिभा को देखकर सारे मुग्ध हो जाते। उसके साथ साथ ये भाषण लेखन के साथ साथ देश में क्या चल रहा है उसका भी लेखा जोखा निवेदिता लेती रहती थी। 1905 में करजन ने बंगभंग का प्रस्ताव लाया था, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तभी पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों को खुलकर विरोध किया था। उस समय निवेदिता ने सारी सहायता क्रांतिकारियों को की थी। तभी इस बंगभंग आंदोलन के प्रमुख नेता योगी अरविंद जी, उनके संपर्क में निवेदिता रहती थी। अपने मित्रों द्वारा सरकार की अंदरूनी बातें समझकर वो क्रांतिकारकों को पहले से ही आगाह कर देती थी, तथा लंदन में वहां की पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार के राज के बारे में कैसे अन्याय चल रहा है ये बात लिखकर लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध लोकमत तैयार करने में भी वे जुटी रहती थी। निवेदिता को शिल्प विद्या में भी रुचि थी। यदुनाथ सरकार, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय इतिहास लिखने की प्रेरणा दी थी, वे कहते हैं निवेदिता भारतीय शिल्प की एक बड़ी समर्थक थी। उन्होंने पौर्वात्य तथा पाश्चिमात्य शिल्पों का अभ्यास किया था। वो युवक शिल्पकारों के शिल्पों की आलोचना भी करती थी तथा उन्हें प्रेरणा भी देती थी। उन्हें विज्ञान में भी बहुत रुचि थी और इसीलिए जगदीश चंद्र बोस जैसे कलकत्ता के वैज्ञानिक की बहुत सहायता उन्होंने की है। उनके लिए गौरव पर ऐसे आर्टिकल्स उन्होंने देश विदेश की पत्रिका में लिखे हैं। उन्हें ऐसे लगता था कि भारत में भारत सरकार द्वारा चलाया हुआ एक बहुत बड़ा विज्ञान भवन हो, उसमें बहुत सारे विज्ञान के बारे में प्रयोग चलते हो, युवक वहां जाकर विज्ञान के बारे में कुछ न कुछ करते हो। जब आगे चलकर जगदीश चंद्र बोस ने ऐसा विज्ञान भवन बनवाया तो उस विज्ञान भवन पर उन्होंने निवेदिता की नाम की नींव रखी तथा निवेदिता को जो प्रिय था ऐसे वज्र की प्रतिमा उन्होंने उस विज्ञान भवन पर लगाई। दधीचि के अस्थियों द्वारा बनाए हुए इस वज्र के बारे में निवेदिता को ऐसे लगता था कि ये वज्र हमारे ध्वज पर रहना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी। भारतवर्ष निवेदिता के लिए पुण्यभूमि था।
एक बार उनके ग्वाले ने उनसे कहा कि मैं उनसे कुछ धर्म विचार पढ़ना चाहता हूँ, कुछ अध्यात्म के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती है, अरे तुम भारतवासी हो, तुम मुझसे क्या सीखोगे? आप सभी लोगों के रग रग में अध्यात्म है, आप तो ग्वाले हो, आप श्री कृष्ण के वंशधर हो। ऐसा कहकर निवेदिता उस ग्वाले को ही प्रणाम करने लगे, इतनी श्रद्धा उसे भारतवर्ष के बारे में थी। सन 1911 आया, निवेदिता वारंवार बीमार पड़ने लगी। अंत में 13 अक्टूबर 1911 में अपने 44 साल की अल्पायु में उन्होंने शरीर त्याग दिया और वो रामकृष्ण लोक चली गई। अपमानित पददलित भारत को इस तरह प्रेम किसे विदेशी ने न किया हो। 1998 में निवेदिता भारत में आई और 1911 में उन्होंने देह त्याग दिया। 13-14 साल निवेदिता भारत में रही, लेकिन उन्होंने कितना भारी भरसक कार्य यहाँ किया, ये देखकर हम लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं। भारत के प्रति वो कितना एकाकार हो गई, इसकी मात्रा हम नहीं समझ सकते। निवेदिता को विदेशी कहना उनका अपमान है, इतनी वो भारत से एकाकार हो गई थी। इंग्लैंड को वो परदेश कहती थी। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा था, भविष्य की भारत संतानों के लिए तुम एकाधार में जननी, सेविका और सखा बन जाओ। विवेकानंद की इस उक्ति का उन्होंने बहुत ही कड़े तरीके से पालन किया। कभी कभी वो भाव विभोर होकर भारत माता भारत वर्ष का जाप करती रहती थी। श्री माँ शारदा देवी उनके बारे में उचित ही कहती थी, निवेदिता यहाँ की ही थी। केवल उनके भाव उनके संदेश को प्रचारित करने हेतु उस देश में उसने जन्म लिया था। आज इतने साल हो गए, फिर भी निवेदिता का यह चरित्र मन को बहुत भाता है। निवेदिता एक प्रातस्मरणीय स्त्री है। आज का भारत का जो रूप है उसे अधिक बलशाली करने के लिए, महिलाओं का जो जीवन है, जो जिसमें आज भी बहुत सारा बदलाव लाने की आवश्यकता है, ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज भी ग्रामीण महिलाओं में सब जगह शिक्षा नहीं पहुंची है, वो शिक्षा निवेदिता का व्रत आगे लेकर हमें गांव गांव के लड़की तक पहुंचानी है, तथा निवेदिता का ये 80 धारा व्रत अभी हमें हाथ में लेना है और यहाँ की हर एक लड़की को निवेदिता बनकर यहाँ कार्य करना है। उनकी स्मृति को मैं शतशः वंदन करती हूँ। धन्यवाद।